गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी इवनिंग के टाइम है और हम लोग निकले हैं इवनिंग वॉक पे। तो आज मैं, मेरे हस्बैंड और मिन्नी तीनों ही निकले हैं इवनिंग वॉक पे। और देखिए मंदिर के सामने से आ रहे हैं, कितना सुंदर मंदिर पे लाइटिंग है और फ्लावर्स भी लगाया हुआ है। और इधर साइड में एक और एक साइड में दूसरा खिलौना था, मतलब गेम्स लगाया गया है, तो वहीं पे मिन्नी आज आए हैं। मिन्नी को आज दूसरा जगह पे गेम खेलना था, तो यहीं पे हम इसको लेके आए हैं, वो गेम खेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जगह भी है और गेम्स भी लगा दिया है अभी, तो वो सारे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, फिर शाम को सारे बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो मिन्नी भी अभी खेल रही है और उसका तो खेलना बंद ही नहीं होता है, खेलती ही जाती है। तो चलिए अभी हम घर जाएंगे। और ये देखिए मैं बनाऊंगी आज ग्रीन तंदूरी, तो हरा भरा तंदूरी कबाब। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को ले ली हूँ, पुदीना, धनिया, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, सारे को एक साथ में फिर अच्छे से वॉश करके एक पेस्ट बना लूंगी दही के साथ। ये मैरिनेशन में पहले वॉक में जाने से पहले करके गई थी, आप लोगों को रेसिपी देखने में सुविधा होगा इसलिए मैं एक ही साथ दिखा रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे पेस्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैं ली हूँ हंग कर्ड, तंदूरी बनाने के लिए ऑलवेज हंग कर्ड यूज करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ लेमन जूस, और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी जो घर में ही अवेलेबल होता है। मैं ऐड कर दी हूँ धनिया, पुदीना, जिंजर गार्लिक पेस्ट, भुना हुआ बेसन, मस्टर्ड ऑयल, में ऑलवेज मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, स्मेल भी अच्छा आता है, स्वाद अनुसार नमक, सॉल्ट, फिर यहाँ पे क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर, बस और कोई स्पाइसेस इसमें नहीं आएगा। अच्छे से इसको मिला लूँगी, अच्छे से मिला लेने से सारे स्पाइसेस एक साथ हो जाएगा तो मेरा मैरिनेशन भी अच्छा होगा। तो देखिए अच्छे से मिला ली हूँ और इसमें अभी ऐड कर दूँगी मैं पहले से फ्रेश करके रखा हुआ चिकन पीसेस, जिसमें मैं अच्छे से कर्ड भी लगाया था। और अभी अच्छे से ये सारे मसाले को चिकन के अंदर लगाऊंगी। जितना अच्छे से आप यहाँ पे मालिश करेंगे चिकन को, उतना अच्छा अंदर स्पाइसेस जाएगा और खाने में भी टेस्ट होता है। तो मेरा चिकन का मालिश अभी कंप्लीट हो गया और अभी मैं इसको ढक के रख दूंगी एक घंटा कम से कम। मैं जल्दी ही बना देती हूँ, टेस्ट अच्छा ही होता है और चिकन भी कुक हो जाता है। और देखिए वॉक करके आने के बाद मैं अभी पहले चिकन को बिठा दूंगी, इसलिए मैं एयर फ्रायर में पहले ऑयल ब्रश कर ली और अभी चिकन पीसेस को डाल दूंगी। हाँ, मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ, ये बहुत जल्दी हो जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जब मेरे पास एयर फ्रायर नहीं था तब मैं तावा में बनाती थी, तो तावा में जो तंदूरी बनता है उसका रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है, आप लोग तावा में बनाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए अभी मैं इसको डाल दिया और 200 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं यहाँ पे 8 मिनट्स के लिए पहले कुक कर लूँगी, उसके बाद फिर फ्लिप करके फिर उसको कुक करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कुछ ऑनियंस भी इस मैरिनेशन में ऐड कर रही हूँ, बाद में ऑनियंस को भी मैं थोड़ा सा बेक कर लूँगी, ये भी बहुत टेस्टी होता है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे। ऐसे ऑनियन बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ मैं ली हूँ चिकन कीमा, उसके साथ ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, मिक्स हर्ब, सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला एक साथ मिला ली हूँ। इसको मैं पहले से मैरिनेशन नहीं की थी, अभी ही जस्ट बनाई हूँ और इसको अभी मैं ऐसे छोटा छोटा करके पैटीज की तरह फ्राई कर लूँगी। तो मैं देखिए फ्राई पैन में ऑयल गरम कर ली हूँ और इसमें मैं अभी पैटीज के शेप में देके एकदम पतला पतला दी हूँ, बना के फ्राई कर लूँगी। दो दो मिनट करके बोथ साइड्स मुझे कुक करना है, तो ये रेडी हो जाएगा। मैं बर्गर के अंदर इसको डालूँगी, ये इजीली हो जाता है और इतना टेस्टी होता है। और अभी देखिए मेरा 8 मिनट कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको फिर फ्लिप कर दूँगी और फिर से एयर फ्रायर में डाल दूंगी, फिर 200 डिग्री में 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए मुझे इसको फिर से कुक करना होगा।
होगा। तो ये देखिए एकदम ही मुझे कोई भी परेशानी नहीं होता है, सिर्फ इसको बीच में फ्लिप करके आप दे दो और अपने आप हो जाता है। तो इससे कुकिंग बहुत ईजी हो जाता है और आप वैरायटी खाना बनाएंगे ना तो घर में घर वाले भी खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं ऐसे खाना। तो चलिए इसको फिर हमने डाल दिया और इधर फिर एक ही साथ हम लोग पैटीज भी कुक कर लेते हैं। तो देखिए एक साइड तो हो गया था, फिर मैं दूसरा साइड भी कुक कर रही हूँ और ये इतना जल्दी हो जाता है। आप लोग चाहे तो बच्चे के टिफ़िन में भी, स्कूल के टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। और अभी इसमें मैं चीज़ स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। चीज़ स्लाइसेस को छोटा छोटा करके मैं पीस कर ली थी इसके साइज़ के हिसाब से। और अभी चीज़ स्लाइसेस देके गैस ऑफ करके मैं ढक के रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। तो एकदम चीज़ देखिए मेल्ट हो गया। मैं मिनी बर्गर बनाऊंगी इसलिए पैटीज को छोटा छोटा करके शेप करके बनाई हूँ। आप अगर बड़े बर्गर बनाएंगे तो शेप आपके हिसाब से, आपके चॉइस से आप शेप देके बना लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ बर्गर मेयोनीज, ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो बर्गर मेयोनीज से मैं मेयोनीज और सॉसेस मिला के ये बर्गर बनाना है। ये बहुत जल्दी इंस्टेंटली बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए अभी कुछ पीसेस में मैं ऐड करूँगी मेयोनीज और कुछ पीसेस में मैं ऐड कर दूँगी सॉस, टोमेटो सॉस। आप कोई भी सॉस ऐड कर सकते हैं इसमें, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारे पीसेस में सॉस और मेयोनीज को। हमें रोज़ रोज एक ही तरह का रोटी पराठा खाना एकदम अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही अलग अलग टाइप का खाना बना के खाती हूँ एंड मेरे फैमिली भी बहुत ऐसे पसंद करते हैं। और मिन्नी भी एक ही जैसा खाना पसंद नहीं करती है, उसको नॉन वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप तरह तरह का नॉन वेज बना दीजिए तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ऑनियन पीसेस और ये जो चिकन पैटीज में बना के रखी थी ये सारे डाल दूँगी। आपके पास अगर बर्गर गार्निश करने के और भी कुछ हो जैसे लेट्टूस वगैरह तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए सबको अरेंज कर देते हैं। अभी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा मैं बटर ऐड करके इसको स्प्रेड कर दूंगी। और मेरा जो मिनी बर्गर था इसको बटर में थोड़े टाइम के लिए सॉटे कर लूँगी तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से भी मैं थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर रही हूँ। आप ऐसे एक बार ट्राई करके देखेंगे, जो लोग वेजिटेरियन हैं आप लोग ऐसे पनीर का बना के भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाता है, बच्चे क्यों हम बड़े भी बहुत। तो चलिए यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया, इधर मेरा चिकन भी कंप्लीट हो गया है। चिकन तंदूरी एकदम आपका 20 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाता है। और मैं देखिए ऑनियंस भी इसमें ऐड कर दी थी। इसका लुक्स देखिए इतना सुंदर और इतना अच्छा स्मेल आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये सच में खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो चलिए इसका अभी हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं। खाना अगर बनाऊं तो घर वाले मुझे प्लेटिंग का टाइमिंग भी नहीं देते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको प्लेटिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा। और कलर देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अभी भी इसका स्मेल आ रहे है मुझे, इतना अच्छा हुआ था। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। तो सच में जब से मैं एयर फ्रायर ली हूँ ना, ये मुझे बहुत काम देते हैं और खाना बनाना भी इजी हो जाता है। और देखिए बर्गर कितना सुंदर चीज़ मेल्ट हुआ है और टेस्टी भी है। तो अगर आज का वीडियो और मेरा सारे रेसिपीज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलेंगे, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहेंगे एंड प्लीज़ सबके साथ ज़्यादा ज़्यादा करके शेयर कर दीजिएगा। तो यही था आज का ब्लॉग, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगे। और अगर और आप लोग दूसरा कुछ रेसिपी भी आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करके बोलेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। टेस्टी।